हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सॉन्ग के साथ होती है, जो कि अभी टैक्सी में बैठकर अपने घर जा रही थी, और तभी वो कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को देखकर अपना बचपन याद करने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में सॉन्ग के हाई स्कूल डेज को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रही होती है, तभी क्लास में स्कूल के फेमस लड़के की एंट्री होती है, जिसका नाम शैन है। शैन क्लास के बीच में ही टीचर की लिखी हुई चीज बोर्ड पे से मिटा देता है और अपना नाम लिखकर सॉन्ग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, और याद रखना तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड मैं ही हूं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होने लगते हैं, पर क्लास की कुछ लड़कियां इस बात से बहुत जेलस हो जाती है कि शैन सॉन्ग को पसंद करता है, और इसके बाद सॉन्ग के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। स्कूल के बाद ये सारी लड़कियां उसे बुली करती हैं, ये लोग उसका बाल इस तरीके से कट कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल अच्छी ना लगे, और साथ ही साथ उसके ड्रेसेस वगैरह भी कट कर देते हैं, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब शैन उसे कभी पसंद नहीं करेगा। बेचारी सॉन्ग कुछ नहीं कर पाती है, और इसके बाद वो स्कूल से ट्रांसफर ले लेती है। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहां पर खत्म होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई होती है, और तभी वो यहाँ पर शैन से टकरा जाती है और उसे देखकर काफी शॉक होती है, पर यहाँ पर शैन इसे कुछ कहता ही नहीं है और यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने सभी कलीग के साथ डिनर के बाद यहाँ से जा रही होती है, और सोचती है कि शैन शायद अब उसे भूल गया है। ये सोचती है कि हाँ, 10 साल हो चुके हैं इस बात को, तब हम हाई स्कूल में थे और अब हम बड़े हो चुके हैं, तो अब वो इतना चाइल्डिश थोड़ी ना होगा। ऐसा वो सोच ही रही होती है कि तभी इतने में शैन उसे खींच के गेम रूम में लेके जाता है, और उसे कहता है कि तुम 10 साल से मुझसे छुप रही हो, मैंने बोला था कि तुम मुझसे बहुत दूर जाना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा। तो सॉन्ग इसे बताती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, देखो तुम्हारी तो सिर्फ शादी हुई है, तुम्हारा बच्चा भी होता ना तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा बोलकर शैन सॉन्ग को फोर्सली किस करने लगता है, पर सॉन्ग उसे जल्दी से दूर कर देती है, और शैन इसे कहता है कि मुझसे दूर जाने का कोई फायदा नहीं है, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो सॉन्ग इसे कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ। ऐसा कहकर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है, पर शैन उसे कहता है कि तुम भाग नहीं सकती, हम कल फिर मिलेंगे। फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग जब अपनी कंपनी गई होती है तो उसकी असिस्टेंट उसे इस बारे में इन्फॉर्म करती है कि एक क्लाइंट ऑफिस में उसका वेट कर रहा है और वो चाहता है कि उसका केस यही हैंडल करे। तो सॉन्ग ऑफिस में जाते ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, पर जैसे ही शैन को देखती है तो शॉक रह जाती है। तभी इसकी असिस्टेंट इसे कॉफी ला कर देती है और कहती है कि लॉयर सॉन्ग, ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम है, आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फिर असिस्टेंट के यहाँ से आते ही शैन सॉन्ग से कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम भी सिंगल हो मैं भी सिंगल हूँ, तो क्यों ना हम शादी कर ले। इस पर सॉन्ग इसे कहती है कि सॉरी मिस्टर शैन, मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगी। शैन कहता है कि केस लो ना लो, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि हम दोनों कम से कम डिनर पे चले। सॉन्ग इस पर जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। तो ये कहता है कि अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं तुम्हारी कलीग्स के सामने तुम्हें इनवाइट करूंगा, फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो इसकी धमकी की वजह से सॉन्ग को मानना ही पड़ता है, और वो इसके साथ कार में आके बैठती है, और शैन इसे पूछने लगता है कि तुम क्या खाना चाहती हो। तो सॉन्ग कहती है कि देखो, अब हम बड़े हो चुके हैं तो तुम इतनी चाइल्डिश हरकत मत करो, हम कभी भी फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते, तुम मुझे जबरदस्ती अपने आप को लाइक नहीं करवा सकते हो, देखो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, और तुम्हें अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। तो शैन सॉन्ग से बताता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, अगर ये चीज पॉसिबल है तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये सुनकर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे एक स्लैप लगाती है। फिर घर आने के बाद रात में सॉन्ग अपने फ्रेंड रो को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज मैं शैन से मिली थी। तो इसकी फ्रेंड शॉक होकर कहती है कि वो हाई स्कूल वाला शैन। सॉन्ग बताती है कि हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो रो कहती है कि ये शैन कितना अजीब है, 10 साल बाद भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, एक काम करो, क्यों ना तुम फिर से अब्रॉड जाकर छुप जाओ। तो सॉन्ग कहती है कि नहीं, अब मैं और नहीं छुपूंगी, इतने सालों से मैं उसकी वजह से अब्रॉड में थी। रोई से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाई स्कूल में भी वो शैन तुम्हारे साथ इतना कांटेक्ट में नहीं था, फिर भी वो तुमसे इतना ऑब्सेस क्यों है। सॉन्ग कहती है कि तो मुझे भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ बार में होता है। इसका फ्रेंड जोई से अपसेट देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, किसने तुम्हें परेशान कर दिया। तो शैन जो से बताता है कि सॉन्ग मुझसे गुस्सा है, तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे मनाऊं। तो इसका फ्रेंड शॉक होकर कहता है कि तुमने आखिर सॉन्ग को ढूंढ ही लिया, अच्छा तुम बताओ ऐसा तुमने क्या करे जो तुम्हें देखते के साथ ही उसने तुम्हें स्लैप लगा दिए। तो शैन कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे कुछ आइडियाज दो कि मैं क्या करूं। सो कहता है कि ये बहुत ही सिंपल है, अगर तू चाहता है कि सॉन्ग खुश रहे तो तू उससे दूर रहकर, वो तुझे नहीं देखेगी तो ज्यादा खुश रहेगी। तो इस पर शैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने उसे एक चांस दिया था मुझसे दूर जाने का, पर अब वो वापस आ गई है तो मैं उसे कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। तो शैन का फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर तू सॉन्ग को परस्यू करना चाहता है तो अच्छे से परस्यू कर, अगर ये सब हरकतें करेगा तो वो तुझसे डर जाएगी
और हाँ, आज तेरे डैड का मुझे कॉल आया था। उन्होंने बताया कि तेरी डिप्रेशन की बीमारी और भी ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए अपना ख्याल रखा करो, टाइम से मेडिसिन ले, और कम से कम सॉन्ग के लिए तो ले ही ले, नहीं तो वो तुझसे ज्यादा डर जाएगी। शेन कहता है कि जब से मैं सॉन्ग से मिला था तब से ही मैं टाइम पर मेडिसिन लेना शुरू कर चुका था। जो कहता है कि मैं समझ गया, तेरी रियल मेडिसिन वही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी कंपनी आई होती है और यहाँ पर वो देखती है कि उसकी कलीग को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। वो उन्हें चिल्लाने लगती है और अपनी कलीग को लेकर यहाँ से भाग रही होती है। तभी जैसी यहाँ लिफ्ट ओपन होती है तो उसमें से शैन बाहर आता है और वो सॉन्ग के लिए इन गुंडों से फाइट करने लगता है। तभी एक बंदा शैन के सर पे चोट पहुंचा देता है। ये देखते हुए सॉन्ग को शैन की बहुत फिक्र होती है, वो जल्दी से उसके पास भाग कर आती है और तभी इसके ऊपर ही बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के बाहर सॉन्ग शैन का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो भागते हुए पहुंचता है और वो पूछता है कि शैन ठीक है कि नहीं। तो कहती है कि अभी वो बाहर नहीं है। तो जो कहता है कि अच्छा तो सॉन्ग तुम यहाँ पर हो, तभी तो शैन ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता है। सॉन्ग इसे सॉरी कहने लगती है तो जो कहता है कि सॉरी बोलने की बात नहीं है, उसने अपनी मर्जी से किया है। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि शैन बीमार है, जब वो 5 साल का था तभी उसकी मॉम ने उसे साथ लेकर पानी में डूबकर मरने की कोशिश की थी। उसकी मॉम तो मर गई थी पर शैन बच गया था, और अपनी मॉम के मरने के बाद शैन को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन हो गया। ये सुनकर सॉन्ग सोचती है कि पहले तो मैं बस सोच रही थी कि वो मेंटली बीमार है, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये सच है। जो कहता है कि शैन चाहे जैसा भी हो लेकिन वो तुम्हें सिंसियरली ट्रीट करता है, अगर तुम चुपचाप से उसकी बात सुनोगी तो वो तुम्हारे साथ रूड नहीं बनेगा। तो सॉन्ग कहती है कि मैं उसकी बात क्यों सुनूं, मैं जिंदगी भर उसके साथ जुड़े नहीं रहना चाहती हूँ। तो जो कहता है कि ठीक है अभी तुम घर जाके रेस्ट करो, यहाँ मैं शैन का ख्याल रख लूंगा। फिर हम देखते हैं कि जब शैन को होश आता है तो वो अपने फ्रेंड जो से पूछता है कि सॉन्ग कहाँ पर है। जो कहता है कि वो घर गई, और पता है डॉक्टर ने क्या कहा कि तेरी कंडीशन बहुत ही सीरियस है और तूने अपनी ये सारी हरकतें दिखाकर सॉन्ग को और भी ज्यादा डरा चुका है। जो कहता है कि और तू ऐसे हरकतें मत किया कर, नहीं तो अगर तेरे डैड को सॉन्ग के बारे में पता चल गया तो फिर वो गई। शैन कहता है कि अगर मेरे डैड ने सॉन्ग को टच भी करने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जो कहता है कि शांत हो जा, तू जितना ही वायलेंट बनेगा उतना ही वो तुझको पसंद नहीं करेगी। नेक्स्ट डे सॉन्ग अपनी कंपनी में होती है, तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके एक लड़की के बारे में बताने लगती है जिसे उसकी आंटी ने इंट्रोड्यूस करी है। सॉन्ग मना कर रही होती है कि वो कोई भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती है, पर उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने उस लड़के को उसकी कंपनी का एड्रेस दे दिए और वो आज ही उसे मिलने आएगा। ये बोलकर उसकी मॉम जैसे ही कॉल कट करती है तभी यहाँ पर वो लड़का आ भी जाता है और वो सॉन्ग से बताता है कि मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया हूँ तो चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और सॉन्ग से कहता है कि इसका इनविटेशन एक्सेप्ट करने का सोचना भी मत, पर सॉन्ग इसकी बात नहीं सुनती और वो अपने ब्लाइंड डेट से कहती है कि इसे इग्नोर करो, ये बस मेरा हाई स्कूल क्लासमेट है। सॉन्ग को सुनकर गुस्सा आती है और वो शैन का हाथ पकड़ के उसे प्रपोज करने लगता है। ये देखकर सॉन्ग का ब्लाइंड डेट गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और फिर सॉन्ग शैन से कहती है कि ये मेरी काम करने की जगह, यहाँ पर आकर मुझे परेशान मत करो। शैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम किसी और को डेट करने का सोचोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, और ठीक है तुम फिक्र मत करो, दोबारा से मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हें विजिट करने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम शादी करना चाहती हो तो हम इसी वक्त ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये कहकर शैन यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जब अपने घर आती है तो इसे इसकी मॉम कॉल करके कहती है कि तुम्हारी आंटी ने मुझे बताई कि उस लड़के ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा है, अगर तुम पहले से किसी को डेट कर रही थी तो हमें क्यों नहीं बताया। सॉन्ग कहती है कि मॉम प्लीज मुझे अब कोई दूसरी ब्लाइंड डेट मत सजेस्ट करना। तो इसकी मॉम कहती है कि अरे मैं क्यों करूंगी, ये तो अच्छी बात है कि तुम किसी को डेट कर रही हो, न्यू ईयर में तुम उस लड़के को हमसे मिलवाने के लिए लेकर आना, मैं और तुम्हारे डैडू से मिलना चाहते हैं। ये कहकर सॉन्ग की मॉम कॉल कट कर देती है और फिर यहाँ पर सॉन्ग को उसकी फ्रेंड ड्रू का मैसेज आता है और वो बताती है कि कल क्लास रियूनियन पार्टी है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना ही होगा। सॉन्ग पूछ के पता करती है कि शैन पार्टी में नहीं आने वाला है, इसलिए वो क्लास रियूनियन पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पहुंचती है और यहाँ पर उसे शैन याद आ रहा होता है। तभी इसकी फ्रेंड से पूछती है कि तुम इतनी ब्लश क्यों कर रही हो। अब तभी यहाँ सभी क्लासमेट सॉन्ग से शैन के बारे में पूछ लेते हैं कि आखिर शैन क्यों नहीं आया पार्टी में। सॉन्ग इन लोग से कहती है कि अगर इन लोगों को इससे सवाल जवाब करने हैं तो पहले कंसल्टेशन फी देनी पड़ेगी जो कि 5,000 है। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। तभी यहाँ पार्टी में शैन भी अपने फ्रेंड जो के साथ आ जाता है। सॉन्ग इसे देखकर शॉक होती है और इसकी फ्रेंड इसे सॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि शैन भी यहाँ पर आ जाएगा। सॉन्ग कहती है कि जाने तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। फिर जो यहाँ शैन को सॉन्ग के पास बैठा देता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता था, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सभी क्लासमेट यहाँ शैन से इस बारे में पूछने लगते हैं कि क्या तुमने और सॉन्ग ने कभी डेट करी या नहीं।
यह सुनकर शैन इन लोग को चिल्लाता है और तभी यहाँ सॉन्ग ड्रिंक कर लेती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। यहाँ पर सॉन्ग को चक्कर आ रहे होते हैं और उसके पैर में भी मोच आ जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो शैन से कहता है कि तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम है और तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, तो भी तुमने ड्रिंक क्यों करी। ऐसा बोलकर ये उसे उठा लेता है। सॉन्ग इसे चिल्लाती है कि मुझे नीचे उतारो, पर ये इसे नहीं उतारता और अपने घर ले आता है। यहाँ पर वो इसे चिल्ला जा रही होती है कि तुमने मुझे अपने घर क्यों लाया है, और यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो शैन इसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी इस हाल में मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड जरूर हो जाऊंगा। सॉन्ग इसे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, अगर मैं तुम्हारे साथ एक बार सो जाऊंगी तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। ऐसा बोलकर ये अपना शर्ट अनबटन करने लगती है तो शैन इसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बार नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम सोना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें 10 साल पहले भी बोला था और आज भी तुमसे बोलता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे फिर से कह दूँ कि मेरी लिमिट्स को टेस्ट मत करना। ऐसा बोलकर ये मेडिसिन बॉक्स लेकर आता है और इसके पैर की चोट पर मेडिसिन लगाता है और सॉन्ग बस इसे रोते हुए देखी जा रही होती है तो कहता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरे ग्रैंडपा को भी स्टमक की डिजीज थी और वो मर गए थे, तो अगर तुम मरने के लिए ये सब ड्रिंक कर रही हो तो क्यों ना मैं तुम्हें कोई और तरीके से मार दूँ। ऐसा बोलकर ये इसका गला पकड़ लेता है तो सॉन्ग इसका हाथ हटाती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अब अपने घर जाना है। तो शैन इसे वेट करने का कहता है और इसके लिए सूप बना कर लाता है और इसे कहता है कि इसे पहले पी लो फिर यहाँ से चली जाना। सॉन्ग सोचती है कि अच्छा तो ये मेरे लिए बस सूप बनाने गया था, फिर वो इसे पीने लगती है और शैन सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग के सभी कलीगों से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि वो इस बार का केस भी जीत गई। ये सभी सेलिब्रेट करने की खुशी में पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। सॉन्ग ठीक नहीं फील कर रही होती है तो उसका बॉस उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर सॉन्ग अपने बॉस के साथ कार से जा रही होती है और तभी वो रास्ते में इसे पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। सॉन्ग कहती है कि अभी नहीं है, तो यहाँ पर उसे शैन का मैसेज आता है। वो कहता है कि अगर कोई नहीं है तो तुम मेरे बारे में याद करो। इतने में यहाँ पर इंडो की कार को कोई हिट कर देता है और सॉन्ग और उसका बॉस कार से बाहर आते हैं और सॉन्ग को पता लगता है कि जिस कार ने इंडो को हिट करी है वो शैन की कार है। यहाँ पर सॉन्ग देखती है कि शैन अपनी मेडिसिन ले रहा है और इसे देखकर से इसकी फ्रेंड की बात याद आती है कि उसने बताया था कि शैन की मॉम के मरने के बाद शैन बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था और वो आज भी उसी डिप्रेशन में है। शैन इसे कहता है कि तुम किसी दूसरे मैन के साथ ड्रिंक कर रही थी और उसके साथ घर जा रही थी, इसलिए तुमने मुझे ये करने पर फोर्स करी हो। तभी सॉन्ग का बॉस उसे आवाज देकर पूछने लगता है कि क्या हुआ है, तो सॉन्ग बताती है कि ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट की कार है। शैन यहाँ सॉन्ग को गुस्से में कार में बैठने के लिए कहता है तो वो तुरंत ही बैठ जाती है और फिर शैन यहाँ सॉन्ग को अपने घर ले आता है और ये इसे पूछती है कि तुमने मुझे फिर अपने घर क्यों ले आए हो। तो ये इसे फिर से फोर्स लेके कहने लगता है और कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे मैन को डेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। सॉन्ग यहाँ से जाने को करती है तो शैन कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। सॉन्ग कहती है कि आखिर तुम मुझे फोर्स करके अपने आप को लाइक नहीं करवा सकते हो। तो शैन इसे कहता है कि तुम मेरा यहीं पर ही वेट करो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर सॉन्ग तुरंत ही अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि उसके पास क्या शैन के फ्रेंड का नंबर है या नहीं। फिर यहाँ पर शैन सॉन्ग और अपने लिए नूडल्स लेकर आता है और इसे देने लगता है तो सॉन्ग सोचती है कि ये पागल लड़के ने मुझे आधी रात अपने घर इसलिए लेकर आया ताकि मुझे नूडल खिला सके। सॉन्ग को तो डर लग रही होती है कि कहीं इसने कुछ मिलाया ना हो इसमें। तभी शैन को खाते देखकर सॉन्ग भी खा लेती है। अब तभी यहाँ पर शैन का फ्रेंड जू पहुंच जाता है और शैन से कहता है कि तुम अकेले अकेले नूडल्स खा रहे हो, मुझे नहीं बुलाया। ये सॉन्ग से कहता है कि क्लास मॉनिटर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जल्दी से अपने नूडल्स खत्म कर लेती है और जू से कहती है कि मेरा खा क्या हो गया। तो जू कहता है कि ठीक है तुम जाकर कार में वेट करो मैं भी आता हूँ। सॉन्ग जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और फिर जू शैन से पूछता है कि तुमने यहाँ पर सॉन्ग को सिर्फ नूडल्स खिलाने के लिए लेकर आए थे तो उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तुमने उसे बताया नहीं इसलिए वो तुमसे बहुत ज्यादा डर चुकी है और फिर उसने मुझे हेल्प के लिए अपनी फ्रेंड से कहकर बुलाई है। जो शैन से कहता है कि तुम अब सॉन्ग का पीछा छोड़ दो, मुझे लगता है कि ये सच में तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, पर शैन नहीं मानता। वो कहता है कि सॉन्ग मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। दूसरी तरफ जब सॉन्ग घर पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ देखो मैं सेफली घर आ चुकी हूँ। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है कि कभी शैन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना। सॉन्ग कहती है कि उसने बस 2 बार मुझे किस किया है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि सच में उसने तुम्हारी फर्स्ट किस ले लिया, तो बताओ तुम नेक्स्ट क्या करने वाली हो। देखो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि क्यों ना तुम अपने होम टाउन चली जाओ, वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे ना कि तुम उनके साथ रहो।
तो सॉन्ग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी से इसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके डैड वॉशरूम में गिर गए थे और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। सॉन्ग को बहुत ही फिक्र होती है और वो तुरंत ही निकलने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने बताया कि उसके डैड अभी ठीक है। उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड का अच्छे से ख्याल रख लूंगी, तुम अपना काम करो। फिर अपनी मॉम को कॉल रखते ही यहाँ पर सॉन्ग को शैन का मैसेज आता है। वो इसे कहता है कि ऑफिस के बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। ये मैसेज देखने के बाद सॉन्ग तुरंत ही रिजाइनेशन लेटर लिखती है और अपने बॉस को जाके रिजाइनेशन लेटर सबमिट करने लगती है। तो वो इसे पूछता है कि आखिर तुम कंपनी से क्यों निकल रही हो, क्या मेरी वजह से जो मैंने तुम्हें उस दिन अपना लव कन्फेस कर दिया था। सॉन्ग कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनल रीजन की वजह से निकल रही हूँ, मुझे अब अपने होम टाउन जाकर अपने मॉम डैड के साथ रहना है और मैं वहीं पर ही काम करूंगी। इसका बॉस पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करती हो। तो कहती है कि हाँ, आई एम सॉरी, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बेटर पर्सन मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपना सारा काम कंप्लीट कर चुकी होती है, तभी यहाँ पर शैन इसे मिलने के लिए आ जाता है। सॉन्ग इसे कहती है कि आज चाहे तुम मुझे मार दो, लेकिन आज मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी और तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो शैन कहता है कि कल के लिए सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? देखो, अब जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। पर सॉन्ग बहुत ही परेशान होती है, तो इसे देखकर शैन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कौन सी चीज़ अपसेट कर रही है? और वो उसके हाथ में कैंडी देने लगता है, पर सॉन्ग इसे नीचे फेंक देती है और उसे कहती है कि दोबारा तुम मेरे सामने कभी नजर मत आना। शैन कहता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम रो है ना। ये सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आता है। वो इसे कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ, अगर तुमने मेरी वजह से मेरी फ्रेंड वगैरह को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। शैन कहता है कि बस एक घंटे के लिए मेरे साथ एक जगह पे चलो, बस इतना काफी होगा। और वह इसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर जाता है। शैन यहाँ सॉन्ग को बाहर का व्यू दिखाने के लिए लेकर आया होता है और उसे कैंडी देने लगता है और कहता है कि तुम जब भी अपसेट हुआ करती थी तो ये कैंडी खाया करती थी। तो सॉन्ग इसे कैंडी ले लेती है और उसका मूड ठीक हो जाता है। वो कहती है कि अब मैं नहीं भागूंगी और मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली और फ्रेंड को लेकर मुझे दोबारा धमकी मत देना। शैन कहता है कि मैंने कभी तुम्हारी फ्रेंड को हर्ट करने का सोचा भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। फिर सॉन्ग इसे पूछती है कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तो शैन हाँ कहता है। तो सॉन्ग यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग अपनी कंपनी से रिजाइन देकर निकल रही होती है, तभी यहाँ पर शैन इसे मिलने आया होता है। वो इसे एक कैट दिखाते हुए बताता है कि बेचारी कैट रोड पर अकेली थी। सॉन्ग इसकी बात सुनकर भी इसे इग्नोर करके जा रही होती है, तो शैन कहने लगता है कि इस लड़की को हाई स्कूल टाइम पे कैट्स कितनी पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब ये बेचारी कैट को कैसे इग्नोर करके जा रही है, अब इसका क्या होगा। तो सॉन्ग वापस आकर इसे कैट ले लेती है और फिर शैन इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग की फ्रेंड उसे मिलने के लिए आई होती है और वो इस कैट को देखकर उसे कोई कैट के बारे में याद दिलाने लगती है जिसे इन लोगों ने हाई स्कूल टाइम में देखे थे। सॉन्ग याद करती है कि वो कैट पानी में डूब रही थी और सॉन्ग उसे बचाने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर शैन आ गया था और उसने नदी में जाकर कैट को बचा के लाया था। और ये देखकर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। अब यहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड उसे बताती है कि वो कैट के आज बच्चे भी हो गए और जिस लेडी ने उस कैट को पाली है उसने कुछ फोटोज सेंड करी है। ये लोग फोटोज देखने लगते हैं और इन लोगों को उसमें शैन भी नजर आता है और इन लोगों को पता लगता है कि वो आज भी उन कैट से मिलने के लिए जाता है। सॉन्ग की फ्रेंड उसे कहती है कि शैन इतना भी बुरा नहीं है। सॉन्ग सोचती है कि अगर वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम ना होता तो शायद वो भी आज उसे लाइक कर रही होती। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपना लगेज पैक करके अपने होम टाउन जाने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में जब शैन सॉन्ग से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाता है तो उसे पता लगता है कि सॉन्ग यहाँ से जा चुकी है। ये जानकर शैन को बहुत ही बुरा लगता है कि सॉन्ग उसे बिना बताए चली गई। फिर ये बहुत ही अपसेट हो जाता है और अपने फ्रेंड से सॉन्ग के बारे में पता करने के लिए कहता है और फिर ये अपनी मेडिसिन भी नहीं लेना चाह रहा होता है, तो इसका फ्रेंड इसे चिल्लाकर इसे मेडिसिन देता है कि वो अपनी हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करे। अब तभी इतने में शैन को कॉल आती है और इसे पता लग जाता है कि सॉन्ग अपने होम टाउन जाने के लिए निकली है। फिर ये भी सॉन्ग के होम टाउन जाने के लिए फ्लाइट बुक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि इतने टाइम बाद वो घर आई गई। सॉन्ग अपने मॉम डैड को बताती है कि अब वो वापस से सिटी में काम करने नहीं जाएगी और वो यहीं पास ही की कंपनी में काम करेगी और रेंट पे घर लेने वाली है ताकि ऐसे वो जब मन चाहे तब अपने पेरेंट्स को विजिट कर सके। फिर यहाँ पर सॉन्ग की मॉम उसके लिए नूडल्स बनाती है और जैसे ही सॉन्ग नूडल्स ख़त्म करती है तो उसके मॉम डैड उसके लिए परेशान होते। वो लोग उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया। तो सॉन्ग को याद आता है कि लास्ट टाइम उसकी मॉम सोच रही थी कि वो किसी को डेट कर रही है, तो सॉन्ग हाँ कह देती है और बहाना बना लेती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये कहकर कि मैं कोई और सिटी से बिलोंग करती हूँ। सॉन्ग के मॉम डैड कहते हैं कि वो कितना बुरा लड़का था। सॉन्ग की मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए और अच्छा लड़का ढूंढूंगी।
तो ये कहती है कि मॉमडेड में अभी डेट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसकी मॉमडेड मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग ने यहाँ पास में रेंट पे घर ले ली होती है। वो अपना लगेज निकाल रही होती है तभी कोई डोरबेल बजाता है और सॉन्ग देखती है कि यहाँ पर शैन इससे मिलने हैं। वो सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट तो करी थी कि ये मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन इतनी जल्दी ढूंढ लेगा ये नहीं पता था। सॉन्ग इसे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो शैन जल्दी से इसे हग कर लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम मुझसे ज़्यादा दूर नहीं गई, नहीं तो शायद मैं ऐसा कुछ कर लेता जो तुम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सॉरी, सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी स्टडीज़ के बीच में तुम्हें परेशान किया था और अब तुम्हारे काम के बीच में तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सॉन्ग इसे छोड़ने के लिए कहती है तो शैनी से पूछता है क्या तुमने मेरे लिए अपनी जॉब क्विट करी हो। तो कहती है कि नहीं, मैं बस अपने घर को मिस कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पे रहने आ गई हूँ। तो शैनी से किस करता है और कहता है कि तुम बहुत ही बुरा झूठ बोलती हो। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही आई हूँ। शैन कहता है कि ठीक है फिर अब से तुम मेरे हर मैसेजेस का रिप्लाई दोगी, अगर तुमने रिप्लाई नहीं दी तो मैं तुरंत ही तुम्हारे घर आ जाऊँगा। तो सॉन्ग कहती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे आसपास के लोगों को लेकर मुझे धमकी नहीं दोगे। शैन कहता है कि मैंने भी कहा था कि मेरे लिमिट्स को पुश मत करना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलते हुए शैन सॉन्ग को हग कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है और उसकी इतनी हाई क्वालिफिकेशन देखकर कंपनी का बॉस उसे तुरंत ही हायर कर लेता है और कल से कंपनी में काम करने आने के लिए कहता है। फिर सॉन्ग कंपनी में काम करने लग जाती है और वो इम्प्लॉइज को उसके बारे में बातें करते हुए सुनती है कि वो सभी ये सोच रहे हैं कि उसका बॉस के साथ कुछ तो रिलेशन है, तभी तो उसे न्यू होने के बावजूद भी हाई पोजीशन पे जॉब मिल गई और साथ ही में खुद का ऑफिस भी। फिर सॉन्ग घर आने के बाद अपनी कैट के साथ खेल रही होती है तभी यहाँ पर शैन इसके घर पे आया होता है, वो भी इसके लिए टिफिन लेकर। वो इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं खाई होगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, जब तक तुम पूरा फिनिश नहीं कर देती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर सॉन्ग चुपचाप से पूरा खाना फिनिश करती है और फिर शैन अपना टिफिन लेकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शैन अपनी कंपनी में होता है और वो अपने एम्प्लॉय के जरिए सॉन्ग की न्यू कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता करता है और उसे ये रीज़न भी पता करने के लिए कहता है कि उसने अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ी। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को उसकी कंपनी की तरफ से शैन की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन करना होता है, पर सॉन्ग को तो इस बारे में पता ही नहीं था कि वो शैन की कंपनी है। वो उसके एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और वो उसे रीज़न भी पूछ लेता है कि उसने अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ी थी। तो सॉन्ग कहती है कि फैमिली रीज़न की वजह से। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब वो यहाँ कंपनी से जा रही होती है तभी यहाँ लिफ्ट में सॉन्ग को शैन मिल जाता है। इसे देखकर सॉन्ग को शक हो जाता है और वो इसे पूछती है कि क्या मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो तुम्हारी हेल्प की वजह से हुआ है। शैन कहता है कि ऐसा पहले तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर अब तुम चाहो कि बैकडोर से जाना चाहती हो तो मेरी हेल्प ले सकती हो, क्या पता तुम भी मुझे लाइक करती होंगी। तो सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। सॉन्ग कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ ना। तभी इतने में लिफ्ट ओपन हो जाती है और सॉन्ग जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग का बॉस उसे बाहर डिनर पे लाया होता है और वो उसे बहुत ही खुश होता है कि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ईजीली साइन हो गया। वो यहाँ पर सॉन्ग का नंबर भी मांग लेता है ताकि बातचीत में ईजी हो। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और इसे देखकर सॉन्ग जल्दी से अपने बॉस को शैन से मिलवाने लगती है और फिर शैन यहाँ पर सॉन्ग के बॉस से पूछता है कि क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ और फिर वो भी यहाँ पर बैठ जाता है और सॉन्ग के बॉस से इस बारे में पूछता है कि क्या वो मैरिड है। तो ये बॉस बताता है कि हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरे दो बच्चे भी हैं। शैन इसे और भी ऐसे सवाल कर लेता है तो यहाँ पर सॉन्ग का बॉस इन दोनों को डिनर करने के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर सॉन्ग यहाँ शैन को चिल्लाती है कि आखिर तुम हमारे डिनर के बीच में क्यों आ गए, अब तुम्हारी वजह से मेरे बॉस मुझे गलत समझ लेंगे और हमारे रिलेशनशिप को भी, और ज़रूर होने लगेगा कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई वो तुम्हारी हेल्प से करवाई हूँ जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सुनाकर सॉन्ग यहाँ से जाने लगती है तो शैन इसे रोकता है और कहता है कि तुम पहले डिनर कर लो फिर चले जाना, पर सॉन्ग इसके हाथ फिर दांत से काटने लगती है तो ये कहता है कि जितना काटना है काट लो बस तुम्हें डिनर पूरा करना है। तो सॉन्ग इसे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हरकतें करके तुम मेरी केयर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो, तुम बहुत ही सेल्फिश हो, ये कहकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग जब अपनी कंपनी जाती है तो इसका बॉस इसे और भी अच्छे से ट्रीट करने लगता है और वो इसे पूछने लगता है कि जरूर उसका मिस्टर शैन के साथ कुछ तो रिलेशन है। सॉन्ग सोचती है कि आखिर सब खराब हो ही गया, उसके बॉस ने सब गलत समझ लिया। इसका बॉस इसे क्लाइंट के साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। सॉन्ग जब यहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि शैन पहले से यहाँ पर बैठा हुआ है और इसका बॉस इसे शैन के पास ही बैठने को कह देता है क्योंकि उसने उसे बताई थी कि वो उसका क्लासमेट है। सॉन्ग को यहाँ पर बैठना ही पड़ता है और फिर हम देखते
हैं कि डिनर के बाद शैन सॉन्ग को उसके घर तक छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने किसी को डेट नहीं करी हो, इसलिए तुम्हें मैन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि कोई भी मैन अच्छे नहीं होते, इसलिए अपने बॉस से भी दूर रहो। तुम ही सोचो कौन बॉस है जो अपनी फीमेल एम्प्लॉई के साथ अकेले में डिनर करता है। तो सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने घर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है, पर फिर वो अचानक से दरवाज़ा खोलती है और शैन से कहती है कि किसने कहा कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं करी, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उसकी और मेरी बॉन्डिंग भी बहुत ही जमती थी। ये क्या करिए, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर शैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सॉन्ग से बात करना चाह रहा होता है पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। तो ये उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कौन था, तो ये इसका कोई रिप्लाई नहीं देती है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो कंपनी जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि शैन बाहर ही खड़ा है। वो वापस से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है तो शैन इसके साथ इसके घर में आ जाता है और वो सॉन्ग को फील कराने लगता है कि वो भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह अच्छा बन सकता है और सब कुछ कर सकता है जब वो चाहे, ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। पर सॉन्ग इसे दूर कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये गुस्से में पूछता है कि फिर तुम्हें किसकी ज़रूरत है। सॉन्ग कहती है कि किसी की भी ज़रूरत हो तुम्हें क्या, मेरे पास फ्रीडम है, मैं किसी को भी डेट कर सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो शैन कहता है कि याद रखना, अगर तुमने किसी और को डेट करी तो मैं तुम्हें कभी फ्रीडम लेने नहीं दूंगा। सॉन्ग कहती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मैंने तुम्हें हमेशा से बताई हो कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, पर स्कूल टाइम से लेकर आज तक तुम मेरे पीछे ही पड़े। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग इसे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पर शैन से मिलने उसका फ्रेंड आता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि सॉन्ग ने ऐसा क्या की जो तुम फिर अपसेट हो गए। तो शैन इसे बताने लगता है कि सॉन्ग ने पहले किसी को डेट कर चुकी है और वो कह रही है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा था। तो इसका फ्रेंड इसे समझाता है कि तुम्हें सॉन्ग को थोड़ा टाइम देना चाहिए और ख़ुद को भी, ताकि तुम अपने इमोशंस को सेटल कर सको। और ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं फिर से तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर ये यहाँ पर सॉन्ग को कॉल लगा देता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड से नहीं मिलोगी और उसे डेट नहीं करोगी तो अच्छा नहीं होगा, मैं उसके डैड को बता दूंगा और फिर उसके डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शैनी सुनकर गुस्सा होता है और वो तुरंत ही सॉन्ग का कॉल कट करता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि आखिर उसने सॉन्ग को ऐसा क्यों बोला। तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि ये शैन की हेल्प कर रहा था और शैनी से चिल्ला रहा है। फिर इसका फ्रेंड इसे रेस्ट करने का कहकर यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर शैन को सॉन्ग का कॉल आता है। वो इसे कहती है कि देखो प्लीज़ मेरी फैमिली को हार्म मत करना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। तो शैन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फ्रेंड्स को कुछ नहीं करने वाला हूँ। सॉन्ग कहती है कि मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। तो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर यहाँ पर सॉन्ग परेशान होने लगती है, तभी इसे शैन का फ्रेंड कॉल करके इस बारे में बताता है कि वो अभी जो भी उसे बोल रहा था वो झूठ था, लेकिन हाँ ये सच है कि अगर उसके डैड को इस बारे में पता चल गया कि उसकी वजह से ही सॉन्ग इतना अपसेट हो रहा है और उसकी डिप्रेशन और बढ़ रही है तो उसके डैडी इसे छोड़ेंगे नहीं। ये इसे समझाने की कोशिश करता है कि सॉन्ग इसे कितना लाइक करता है और वो आज तक उसने इसके लिए बहुत कुछ किया है और उसे कभी हर्ट करने का सोचा भी नहीं है। वो इसे हाई स्कूल डेज की कुछ चीज़ें याद दिलाता है, जब उसे स्कूल जाते वक्त कुछ गुंडों ने परेशान किए थे तो शैन ने उनसे फाइट किया था और तभी उसे कितनी ज़्यादा चोट भी आ गई थी। ये सब याद दिलाने के बाद शैन का फ्रेंड उसे कहता है कि शैन को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे ऐसे अकेला मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ शैन से मिलने पहुँच जाती है और उसे कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक्चुअली में मुझे लाइक नहीं करते हो, तुम बस मुझसे ऑब्सेस्ड हो क्योंकि मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ। वैसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ। शैन ये सुनकर खुश हो जाता है पर सॉन्ग कहने लगती है कि लेकिन याद रखना, अगर एक दिन तुम मुझसे बोर हो गए तो तुम मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देना और कभी नज़र मत आना। और ऐसा बोलकर ये सोचती है कि शैन को ठीक करने के लिए उसे थोड़ा सा उसे चांस देना होगा, ताकि जब वो इससे बोर हो जाएगा तो वो खुद ही इसे छोड़ देगा। शैन इसे कहता है कि लेकिन अगर मैं तुमसे कभी बोर नहीं हुआ तो ये कहती है कि ठीक है फिर मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार रहूँगी। ये सुनकर शैन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो इसे कहता है कि तुम इस बात पर मुझसे शर्त लगाने के लिए तैयार हो और तुम्हें सच में बिलीव नहीं है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ट्रू है। फिर ये कहता है कि ठीक है चलो हम शर्त लगा लेते हैं, लेकिन याद रखना अगर मैं तुमसे बोर नहीं हुआ और मैं तुम्हें पसंद करता रहा तो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, जब तक मैं मर नहीं जाता तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। सॉन्ग इसके लिए हाँ कहती है तो शैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे बाहर जाने के लिए कहता है, पर जब सॉन्ग जाने लगती है तो शैन इसका हाथ पकड़ के रोकता है तो ये रुकने के लिए मान जाती है और फिर ये इसे बेड पर लेटने के लिए कहती है और इसे पानी देती है और फिर उसकी केयर करने लगती है और यहीं पर ही बैठे बैठे सो जाती है। शैन इसे देखते हुए सोचता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ लेकिन तुम मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करती हो। तभी यहाँ बीच में शैन का फ्रेंड आ जाता है
और उसकी आवाज सुनकर सॉन्ग जाग जाती है और देख लेती है कि शेन उसे देख रहा था। फिर सॉन्ग शेन के फ्रेंड को शेन का ख्याल रखने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने पेरेंट्स से मिलने गई होती है और यहाँ पर उसकी मॉम उसे फिर से ब्लाइंड डेट के लिए मना रही होती है। तो सॉन्ग उन्हें मना करती है कि अभी वो कोई भी ब्लाइंड डेट के लिए नहीं जाना चाहती है, तो इसके डैड मान जाते हैं। फिर अपने मॉम डेट से मिलने के बाद सॉन्ग जैसी अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर शेन पहले से उसका वेट कर रहा है। वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, तो ये कहता है कि बस देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो सॉन्ग देखती है कि ये बीमार है, पर वो फिर भी अपने घर में चली जाती है। और तभी यहाँ पर सॉन्ग को शेन के फ्रेंड का कॉल आता है और वो इसे पूछता है कि क्या तुमने शेन को देखा है। तो सॉन्ग उसे बताती है कि वो मेरे घर के बाहर ही खड़ा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि प्लीज उसे प्रोवोक मत करना, एक्चुअली आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और वो आज के दिन हमेशा अपने आप को लॉक कर लिया करता था, लेकिन अब मैं यहाँ हॉस्पिटल आया हूँ तो वो यहाँ पर नहीं था और अपना फोन और वॉलेट वो यहीं पर ही रखी है, इसलिए मैं डर गया था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तो सॉन्ग इसे अपने घर का एड्रेस बता देती है और कहती है कि आ करके इसे यहाँ लेके जाओ। जोई इसे कहता है कि शैन शायद तुम्हें देखना चाहता होगा इसलिए वो वहाँ पर गए। तो सॉन्ग मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम उसे एक रात के लिए अपने घर पे ले लो, मैं सुबह आकर उसे लेकर जाऊंगा। पर सॉन्ग नहीं मानती और वो कहती है कि ये सही नहीं रहेगा। जो कहता है कि इतने सालों से सॉन्ग ने तुम्हें इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया कि तुम कहाँ पर थी, लेकिन उसने तुम्हारे डैड का ख्याल रखा है। कुछ साल पहले तुम्हारे डैड की स्टमक की सर्जरी हुई थी और शेन ने हेल्प किया था उनके लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढने में, इसलिए प्लीज उसकी भी हेल्प कर दो और अपने घर में ले लो उसे। सॉन्ग तो ये सब जानने के बाद शॉक होती है कि शेन ने उसके डैड का ख्याल रखा। फिर वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि क्या कुछ साल पहले आपकी स्टमक की सर्जरी हुई थी, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया डैड। तो सॉन्ग के डैड कहते हैं कि अरे इतनी भी बड़ी बात नहीं थी और वैसे भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो सॉन्ग कहती है कि डैड प्लीज अगली बार से ऐसा मत करना, अगर आप कुछ भी बीमार हो तो मुझे पहले बताना। फिर अपने डैड से बात करने के बाद सॉन्ग जाके दरवाजा खोलती है और शेन जी कहती है कि अंदर आ जाओ। तो वो पूछता है कि तुम मुझे अपने घर में ले रही हो। सॉन्ग कहती है कि मुझे पता चला कि लास्ट ईयर तुमने मेरे डैड की सर्जरी अरेंज किए थे, उसके लिए थैंक यू। फिर शेन भी मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है मैं कल सुबह चला जाऊंगा, ऐसे बोलकर वो अंदर जाता है। सॉन्ग शेन के लिए ब्लैंकेट वगैरह ला के दे देती है। तो वो इसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो वो इसके लिए नूडल्स बना के लाती है और कहती है कि अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कोई डोरबेल बजाता है और शेन जाके दरवाजा खोलकर देखता है कि यहाँ पर सॉन्ग के मॉम डैड आए। यहाँ पर शेन को देखकर सॉन्ग के मॉम डैड से पूछते हैं कि क्या तुम सॉन्ग के बॉयफ्रेंड हो। तो शेन कुछ कह नहीं पाता है, तभी यहाँ पर सॉन्ग आ जाती है, पूछती है कि मॉम डैड आप यहाँ पर क्यों आए। तो ये लोग बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए थे। फिर सभी बैठ जाते हैं और सॉन्ग की मॉम शेन से सवाल करने लग जाती है कि वो क्या काम करता है। तो शेन अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है और उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम लोग कितने टाइम से डेट कर रहे हो। तो शेन कहता है कि एक्चुअली आंटी हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, मैं अभी सॉन्ग को परस्यू कर रहा हूँ और ये मान नहीं रही है, और कल रात एक्चुअली मैं अपने घर की चाबी भूल गया था इसलिए सॉन्ग ने मेरी हेल्प करने के लिए मुझे रात में यहाँ पर रुकने दे दी, और सॉरी अगर आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो तो। सॉन्ग की मॉम तो बड़ी खुश होती है और कहती है कि सॉन्ग को अच्छे से परस्यू करना, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम लोग साथ हो जाओगे। तो शेन भी बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और फिर वो सॉन्ग के मॉम डैड से कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, आप लोग करो, मैं जाता हूँ। तो सॉन्ग के मॉम डैड कहते हैं कि हमने इतना सारा ब्रेकफास्ट लेकर आए तो अब तुम खा के ही जाओ। तो सॉन्ग भी शेन से कहती है कि ब्रेकफास्ट के बाद चले जाना। फिर ब्रेकफास्ट के बाद सॉन्ग के मॉम डैड उसे बाय बोलकर जा रहे होते हैं और सॉन्ग की मॉम तो उसे कहती है कि शेन बहुत ही अच्छा लड़का है, वो एक बार उसे डेट करने का ट्राई कर सकती है। फिर सॉन्ग के मॉम डैड के जाने के बाद सॉन्ग शेन से कहती है कि अब मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, तो मेरे जाने के बाद तुम भी अपना चले जाना, शेन इसे हाँ कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि शेन मुझसे सच में शादी करना चाहता है और मेरे मॉम डैड भी यही चाहते हैं, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कोई और ब्लाइंड डेट ढूंढकर जल्दी से उसे शादी कर लूँ ताकि शेन मुझ पे भी गिव अप कर दे। इसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, शेन तुम्हारे उस ब्लाइंड डेट को छोड़ेगा नहीं और तुम लोग की शादी भी नहीं होने देगा। तो सॉन्ग कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, हमेशा अनमैरिड बैठी रहूँ ताकि वो मुझे परेशान करता रहे। इसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों ना तुम एक बार शेन को डेट करने का करो, शेन जैसा रिच बंदा है तो वो जरूर प्लेबॉय ही होगा और एक दिन वो तुम्हें डेट करने के बाद बोर हो जाएगा और फिर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन ऑफिस में होता है और तभी सॉन्ग इसे कॉल करके कहती है कि क्या तुम फ्री हो, मेरे मॉम डैड तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो शेन उसे हाँ कहता है। फिर शेन बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है और फिर वो गिफ्ट लेकर सॉन्ग के मॉम डैड के घर पे पहुंच जाता है। सॉन्ग के मॉम डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं और सॉन्ग से कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि शेन उन्हें बहुत पसंद आया। फिर डिनर के बाद शेन सॉन्ग को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी
उसके लिए फ्लावर ला के देता है और तभी सॉन्ग इसे पूछती है कि हम चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। शैन इसे पूछता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? इसलिए कि मैंने तुम्हारे डैड की हेल्प किया था। सॉन्ग कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रूफ करना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो मेरे लिए फीलिंग्स है वो लव नहीं सिर्फ ऑब्सेशन है। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से अपनी फीलिंग्स को एक बार केयरफुली सोचो। हम एक दूसरे के लिए सच में सही नहीं है। तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली से मैच नहीं करती और बाकी चीज़ें भी हम मैच नहीं करते। तो शैन कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि शादी क्या होती है? शादी के बाद तुम सिर्फ मुझे देखने वाले नहीं हो बल्कि हम कपल रिलेशनशिप में रहने वाले। सॉन्ग कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछी तभी भी तुमने मुझे मना किया और अब मैं तुमसे शादी के लिए पूछ रही हूँ तो भी तुम मुझे मना कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें बता दूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसे फंस के नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हें फ्रीडम चाहिए और मैं 28 ईयर्स की हो गई हूँ। मुझे अब बस एक स्टेबल लाइफ चाहिए और मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊँ। शैन इसे कहता है कि जब तुम इस बारे में अच्छे से सोच लेना तो मुझे कॉल करना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी अचानक से उसका पेट बहुत ज़्यादा दुखने लगता है और उसे चक्कर आती है और वो बेहोश जाती है। पर तभी यहाँ टाइम पर शैन पहुँच जाता है और सॉन्ग को लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर यहाँ इन लोग को बताती है कि सॉन्ग प्रॉपर टाइम से खाना नहीं खा रही है इसलिए वो बीमार हो गई है। फिर शैन यहाँ सॉन्ग को चिल्लाने लगता है कि अगर मैं तुम्हें खाते हुए ना देखूँ तो तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती और प्रॉपरली खाना नहीं खा रही हो। फिर सॉन्ग इसे कहती है कि मैंने अच्छे से सोच ली हूँ। तो शैन भी कहता है कि ठीक है, मैंने अपने लॉयर से कहकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया हूँ, अब बस तुम्हें उस पर साइन करना है। ये सुनकर सॉन्ग सोचती है कि ये रिच लोग सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसके साथ रियल लव में नहीं हूँ, नहीं तो बाद में मुझे इसके लिए रोना पड़ता जब हमारी रिलेशनशिप 3 साल बाद एंड हो जाती। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग घर आने के बाद अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में बताती है कि कल शैन और मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। तो इसकी मॉम पूछती है कि अचानक से कैसे? तो सॉन्ग उन्हें बताती है कि एक्चुअली मैं शैन को हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करती थी और अब हम दोनों ने साथ होने का फैसला कर लिया। तो सॉन्ग की मॉम तो खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग और शैन कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगा क्योंकि आज उन दोनों ने शादी कर ली है और आज वो सॉन्ग के साथ रहना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को पता लगता है कि शैन ने दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और इन दोनों के सारे फ्रेंड्स को भी पता लग गया है कि इन दोनों की शादी हो गई। सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और इसकी फ्रेंड इसे इंजॉय करने के लिए बार में आने का कहती है। तो सॉन्ग भी मान जाती है और वो बार आकर अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही ड्रिंक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शैन को उसका कोई फ्रेंड उसकी और सॉन्ग की फोटो दे देता है और ये देखकर शैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बार पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उसे चिल्लाता है कि उसने ये बिल्कुल सही नहीं किए और वो उसे गुस्से में घर लेके जाता है। यहाँ पर सॉन्ग इसे रोकती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई। तो शैन इसे वॉर्न करता है कि अगली बार अगर वो बार जाकर ऐसे दूसरे लड़कों के साथ ड्रिंक करेगी तो वो सह के नहीं लेगा। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को उसकी मॉम कॉल करके कहती है कि वो अब बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो दोनों साथ में रहने वाले। सॉन्ग को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे शैन को बिना बताए बार नहीं जाना चाहिए था क्योंकि अब वो दोनों की शादी हो गई। फिर सॉन्ग डिसाइड कर लेती है कि वो अब 3 साल के लिए कम से कम शैन के साथ अच्छे से रहेगी। फिर आप हम देखते हैं कि सॉन्ग रूम में आकर चुपचाप से लेट जाती है और वो इसे बहुत डर रही होती है। तो शैन इसे पीछे से हक करता है और कहता है कि इतना डरोगी तो मैं सच में कुछ करूंगा और वो बस उसे सोने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैन ने पहले ही सॉन्ग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है और फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो उसे एक रिंग पहनाता है और उसे भी अपने आप को पहनाने के लिए कहता है। सॉन्ग तो मन में सोचती है कि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है तो आखिर इसे इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। फिर शैन इसे बताने लगता है कि आज मैं अपने डैड के घर जाने वाला हूँ तो घर आने में मुझे लेट हो जाएगी। सॉन्ग कहती है कि तुम मुझे अपडेट कर रहे हो? तो कहता है कि ऑफ कोर्स, अब तुम मेरी वाइफ हो तो ये मेरी ड्यूटी है। सॉन्ग सोचती है कि मेरे लिए तो ये मैरिज फेक है लेकिन ये बहुत ही सीरियस ले रहा है तो लगता है मुझे भी अब सीरियसली लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग को उसका क्लाइंट बाहर मिलने के लिए बुलाता है। एक्चुअली में सॉन्ग ये केस हार रही होती है इसलिए उसका क्लाइंट बहुत ही गुस्सा होता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पहुंचकर सॉन्ग को बचाने की कोशिश करता है और तभी वो नदी में गिर जाता है। इसके बाद जब सॉन्ग को हॉस्पिटल में होश आता है तो शैन का फ्रेंड उसे बताता है कि शैन की हालत ठीक नहीं है, तुम जाकर उसे देख लो। सॉन्ग यहाँ शैन को देखने आती है। शैन इसे अपने मॉम के बारे में बताने लगता है और बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। वो बताता है कि उसके डैड हमेशा ही उसकी मॉम को चीट किया करते थे और वो आज भी हर नई लड़की के साथ डेट करते रहते और इसी वजह से उसकी मॉम ने खुद की जान ले ली थी। यहाँ पर सॉन्ग इसे समझाती है कि तुम अब पुरानी चीजें भूल जाओ, तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती तो वो यही चाहती कि तुम अच्छे से जियो, इसलिए तुम अपनी लाइफ पे ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद शैन सॉन्ग को तुरंत ही किस कर लेता है और तभी यहाँ पर शैन का फ्रेंड आ जाता है और वो इन दोनों को देख कर कंटिन्यू करने के लिए कहता है। पर फिर सॉन्ग जल्दी से यहाँ से चली जाती है और शैन का फ्रेंड उसे इस बारे में बताता है कि उसके डैड को उसके और सॉन्ग की शादी के बारे में पता चल चुका है।
फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग शैन के साथ अच्छे से रहने लग जाती है। दोनों ही कपल की तरह टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ सॉन्ग के मॉमडैड के घर आया होता है डिनर के लिए, और तभी वो शैन के बचपन के रूम में जाकर उसकी पुरानी चीज़ें देख रहा होता है। तभी यहाँ उसे उसकी डायरी मिल जाती है और शैन पढ़ने लगता है कि सॉन्ग ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखी होती है। और तभी उसे एक पेज पे लिखा हुआ मिलता है कि शायद मैं शैन को लाइक करने लग गई हूँ। ये पढ़कर ये बहुत ही खुश हो जाता है और फिर ये सॉन्ग से इस बारे में पूछने जाता है कि क्या कभी तुमने पहले मुझे लाइक करी हो। सॉन्ग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती तो शैन इसे इसकी डायरी का पेज दिखाकर पूछता है, तो भी सॉन्ग नहीं मानती और वो कहती है कि मैंने इसे गलती से लिखी होंगी। फिर शैन बहुत ही अपसेट हो जाता है और बाहर जाके ड्रिंक करने लगता है। तभी सॉन्ग इसे जाकर पिक करके घर लेकर आती है। फिर सॉन्ग को इस बारे में पता लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब्रॉड से वापस आ गया। जब शैन को इस बारे में पता लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सॉन्ग की फ्रेंड उसे कहती है कि उसे शैन को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसने कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डेट करी नहीं थी, क्योंकि वो तो उसे प्रपोज करने के बाद तुरंत ही बात अब्रॉड चला गया था और अब जाके वापस आया। फिर हम देखते हैं कि शैन कैसे भी करके सॉन्ग को मना ही लेती है और वो इसे कहता है कि वो उसे दूसरों के साथ नहीं देखना चाहता है क्योंकि उसे दूसरों के साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग से इस बारे में पूछता है कि अचानक से वो अब्रॉड क्यों चली गई थी और स्कूल से ट्रांसफर क्यों ले ली थी। तो वो उसे बता देती है कि जब उसने उसे सभी के सामने प्रपोज किया था तब कुछ लड़कियां उसे बुली करने लग गई थी। शैन याद करता है कि उसने सॉन्ग को ऐसे बाल कटे हालत में देखा था और उसने सोचा था कि उसने खुद अपना बाल कट कर लिए ताकि वो उसे पसंद ना करे, पर सॉन्ग ने उसे कुछ भी सच नहीं बताई थी। और ये जानकारी शैन बहुत ही अपसेट हो जाता है कि उसकी वजह से सॉन्ग को इतना बुली किया गया और इसे कभी खबर ही नहीं थी। और फिर वो उन सारी लड़कियों को ढूंढता है जिसने हाई स्कूल टाइम में उसे बुली करे थे और उन सभी को मजा चखाता है और सॉन्ग का बदला लेने में उसकी हेल्प करता है। और फिर दोनों का रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाता है और सॉन्ग फिर से शैन को लाइक करने लग जाती है। और वह इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है कि एक्चुअली में वो तो उसे हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करने लग गई थी। पर शैन जब सॉन्ग से इस बारे में पूछता है कि क्या वो उसे अब लाइक करने लग गई है तो वो इसे जवाब नहीं देती। पर हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग और उसकी फ्रेंड का चैट पढ़ लेता है और इसे पता लग जाता है कि सॉन्ग इसे लाइक करती है। शैन ये जानकर बहुत ही खुश होता है और शॉक भी, और अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बताता है। तो इसका फ्रेंड इसे कहता है कि तुम्हें डायरेक्टली सॉन्ग से इस बारे में पूछकर क्लियर कर ही लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग से कह देता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो सॉन्ग इसे चिल्लाती है कि आखिर तुमने चुपके से मेरा फोन क्यों चेक किया। तो शैन कहता है कि तुमने मुझे जवाब नहीं दी, क्या कभी तुमने मुझे लाइक करी या नहीं। सॉन्ग कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें थोड़ा सा लाइक करी थी। तो ये फिर से बोलने को कहता है। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें लाइक करी थी और मैंने कभी किसी और को लाइक नहीं करी। फिर शैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सॉन्ग इसे कहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहती है। और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।